नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जदयू को नंबर 3 की पार्टी होने के बावजूद बिहार की सत्ता की कुर्सी सौंपी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी की ही पीठ में छुरा जो है वो घोंप दिया। और इस बात पर चर्चा हुई है बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की दरभंगा में हुई 2 दिवसीय बैठक में। नीतीश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ, कहा गया कि किसी भी कीमत पर अब नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी जो है वो नहीं होगी, बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने के लिए काम करेगी। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब जो है जो बीजेपी के जो युवा नेता हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं ऋतुराज सिन्हा, उनका बड़ा बयान सामने आया है। ऋतुराज सिन्हा ने अपने बयान में कहा है कि नीतीश कुमार ने जो है जिस तरीके से धोखा दिया, बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया, उसके बाद यहाँ की जनता नीतीश कुमार से जो है एक एक चीज का हिसाब लेगी। पहले सुनवाते हैं वो क्या कुछ कह रहे ऋतुराज सिन्हा। भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति है, समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेशों के स्तर पे भी हम कार्य समिति की बैठक कर संगठन के कार्यों का समीक्षा करते हैं, आगे की योजना और रचना बनाते हैं। उसी क्रम में दरभंगा में प्रदेश की कार्य समिति की बैठक हुई, बहुत सफल बैठक रही। केशव मौर्य जी भी आए और विनोद तावड़े जी जो हमारे महामंत्री जो बिहार प्रदेश संगठन के प्रभारी भी हैं, उन्होंने आगे की दिशा स्पष्ट की है। एक बात तो तय है कि जिस नीतीश कुमार जी ने 2020 के चुनाव में जो जनादेश मिला था उसका अपमान किया, साथ ही साथ जिस नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री जी के बड़ा मन होने के बावजूद, देखिए हमको बिहार की जनता ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाई थी, लेकिन फिर भी भाजपा ने जदयू को 40-45 सीट मात्र होने के बावजूद नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद दिया, हमने अपना वादा निभाया। पर नीतीश कुमार जी ने बदले में जनता की जनादेश का भी अपमान किया और नरेंद्र मोदी जी के बड़प्पन जो दिखाई थी उसका भी अपमान किया। आने वाले चुनाव में एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एवं वोटर इस बात का पूरा हिसाब करेगा और नीतीश कुमार जी के जदयू के रिजल्ट से ये बात साफ होगी। तो बता दें आपको कि बिहार के दरभंगा में जो है बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की जो है वो बैठक हुई 2 दिवसीय। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर बात हुई, जिसमें आगामी विधान जो बजट सत्र है उसमें किस तरह की रणनीति रहेगी, पार्टी किस तरीके से संगठन का विस्तार करेगी राज्य के अंदर में, 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की क्या फुल प्रूफ प्लानिंग है, और इसके साथ साथ जो आप अगर बात करें 25 में जो संभावित विधानसभा के चुनाव होने हैं उसको लेकर के पार्टी की तैयारी, इन तमाम चीज़ों पर विशेष तौर पर बात की गई। इस पूरे कार्यक्रम में विशेष तौर पर जो है केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो पहुंचे हुए थे दरभंगा में, इसके साथ साथ जो विनोद तावड़े हैं जो कि बिहार बीजेपी के जो प्रभारी हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, और इनके साथ साथ बिहार बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे एक साथ थे। और इस मीटिंग के सहारे जो है बड़ी कोशिश हुई है बीजेपी के अंदर इस मैसेज को पहुँचाने की कि इस बार कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार से किसी भी तौर का या किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। हर नीतीश कुमार लाख कोशिश कर लें गठबंधन में फिर से वापस आने की, लेकिन उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसका ऐलान भी खुद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया था, और अब ऋतुराज सिन्हा ने भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जनादेश का अपमान किया है, बीजेपी को धोखा दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े मन से जिस तरीके से उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और जिस तरीके से उनको धोखा मिला है, उसके बाद बिहार की जनता एक एक चीज़ का पूरा हिसाब लेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।